लास्ट एग्जांपल है भाई इस टॉपिक का, इसको ध्यान से समझिएगा। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है और पूछ भी लेगी आने वाले टाइम में फिर से, तो निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आपको मज़ा भी लिटरली आएगा ही अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो। वरना मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि अगर आपसे ये चीज़ें नहीं आती, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो न्यूमेरिकल करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमसे ये कह रहा है, देखो डायग्राम बना रखा है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमसे कह रहा है कि दो वायर हैं, वो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, एक में करंट कुछ इस तरह से जा रही है और एक में करंट कुछ इस तरह से जा रही है। इन्होंने ये भी कह रखा है कि भाई इस वाले वायर से इसके अंदर करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने की वजह से जो इसके थ्रू जो प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है बी क्यू, और जो हॉरिजॉन्टल वाला नीचे वाले प्लेन में है वायर पी, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ ऊपर की तरफ है बी पी। ठीक है भाई, अब हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है बी, मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है बी पी और बी क्यू का वो है बी। तो हमसे कह रहा है कि इसके मैग्नीट्यूड बताओ, साथ में इसकी डायरेक्शन भी बताओ। तो ठीक है, सिंपल सा फंडा है, अगर मैं बी पी निकालना चाहूँ, बी पी उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, बी पी का मतलब है इस वाले सर्कल के अंदर या इस वाले सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एट द सेंटर बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन टू आर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट, उसके अंदर से पास होने वाली करंट, इसके अंदर देखो पी के अंदर से कितनी करंट पास हो रही है, पी के अंदर से, पी ये वाला है तो पी के अंदर से जो करंट पास हो रही है वो आई एम्पीयर की करंट पास हो रही है। तो यहाँ पर ले लोगे बी पी के अंदर म्यू नॉट आई, और नीचे टू रेडियस कितनी है इसकी, पी वाले की रेडियस कितनी है, पी वाले की रेडियस उतनी ही है जितनी क्यू वाले की रेडियस है, क्योंकि दोनों सेम रेडियस के। आई होप सो हमसे यही कह रहा होगा, टू आइडेंटिकल कॉइल्स, देखो पी एंड क्यू आइडेंटिकल का मतलब है दोनों की रेडियस सेम है। तो ये हो गई आपके पास बी पी, बी पी की डायरेक्शन आपको पता लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड है, तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। इसी तरीके से मैं बी पी के साथ साथ बी क्यू निकाल लेता हूँ, बी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी क्यू, तो बी क्यू ये भी एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नोट इंटू आई, आई मतलब वो करंट जो उसके अंदर से पास हो रही है। तो लगाना शुरू कर दो म्यू नोट करंट, करंट कितनी पास हो रही है, रूट थ्री आई म्यू नोट इंटू आई अपॉन टू इंटू आर, ये हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास बी पी है और ये बी क्यू है। अब यहाँ मुझे एक चीज़ देखकर बताओ, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तब रिजल्टेंट जो होता है जिसको आपने यहाँ पर बी दिखाया हुआ है, रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, यही आता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मतलब बी निकाल रहा हूँ, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी पी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, सिंस दिखा देते हैं। तो बी आपसे पूछ रहा है बी पी की वैल्यू बताओ कितनी है, म्यू नोट आई अपॉन टू आर इसका स्क्वायर प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री म्यू नोट आई अपॉन टू आर अगेन इसका भी स्क्वायर। ठीक है, मुझे बी चाहिए। अब देखो म्यू नोट आई अपॉन टू आर, म्यू नोट आई अपॉन टू आर ये कॉमन है, इसको नीचे को इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल दो। जब बाहर निकालोगे, इसको बाहर निकालोगे तो ये क्या कितने किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, म्यू नोट आई अपॉन टू आर की फॉर्म में बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट। ये पूरा का पूरा बाहर ले चुका हूँ, तो यहाँ पर वन का स्क्वायर बचा, वन प्लस यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर बचेगा। लो सॉल्व हो गया, बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया यार, ये म्यू नोट आई ऐसे रहेगा, टू आर ऐसे रहेगा। अच्छा, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, थ्री होता, तो स्क्वायर से रूट कट जाता तो वैल्यू आ जाएगी वन प्लस थ्री, कुछ इस तरह से। इसके आगे दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन टू आर, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट फोर। स्क्वायर रूट फोर की वैल्यू होती कितनी है एक्चुअल में, जल्दी से बताएं, म्यू नोट आई अपॉन टू आर, और स्क्वायर रूट फोर की वैल्यू होती है टू, तो टू से ये टू कट गया। आपके पास b कितना निकल कर आ गया, जो पूछा गया था b इज इक्वल टू आ चुका है म्यू नॉट आई अपोन आर, म्यू नॉट आई अपोन आर ये पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये होगा। अगर मैं समझाता हूँ, समझाते वक्त अगर थोड़ा बहुत हाइड होता तो समझने की कोशिश करें, भावनाओं को समझें, क्योंकि मुझसे छिप रहा है वो। ठीक है, अब आराम से देख लें जो मैंने समझाया हुआ है।
क्या कुछ टफ था इसके अंदर? तो अभी तक तो कुछ टफ नहीं था। आगे और कुछ और भी पूछ रखा है क्या इसने? यस, हमसे डायरेक्शन भी पूछी है। मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया, डायरेक्शन और पूछी है। तो डायरेक्शन निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। डायरेक्शन मान लेते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाले मैग्नेटिक फील्ड से थीटा पर है, तब टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तब टेन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पर कौन है? ये है इसके बराबर, मतलब बीपी अपॉन बेस, मतलब बीक्यू। परपेंडिकुलर बीपी, इसकी वैल्यू कितनी है? बीपी की वैल्यू कितनी है? म्यू नोट आई अपॉन टू आर, म्यू नोट आई अपॉन टू आर। और बीक्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू नोट आई रूट थ्री अपॉन टू आर। तो टू आर से टू आर कट गया, म्यू नोट से म्यू नोट कट गया, यहाँ से बचेगा वन अपॉन रूट थ्री, सब कुछ कट गया, वन अपॉन रूट थ्री। अब मुझे बताओ टेन थीटा में वन अपॉन रूट थ्री वैल्यू किसकी होती है? तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होती है टेन थर्टी डिग्री की। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास थर्टी डिग्री। तो ये इतना आसान न्यूमेरिकल था, ये सी बी एस ई पूछ चुकी है ना एफ 16 के अंदर और ओ डी 17 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका बोर्ड में और पूछा जाता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मज़ेदार है। आपसे रिजल्टेंट पूछ रहा है, साथ में रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पूछ रहा है। आपसे ओवरऑल ये चेक करवाना चाह रहा है क्या तुझे वेक्टर याद है, क्या वेक्टर की प्रॉपर्टीज याद है, वेक्टर सॉल्व करना आता है या नहीं आता, कुछ इस तरह की चीज़ें कन्फर्म करना चाह रहा है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल सारे क्लियर हो गए होंगे, नहीं क्लियर हुए तो बार बार वीडियो को देखो, क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, उनको भी ध्यान से सॉल्व करना। थैंक यू सो मच।